गुजरात के गवर्नर साहिबा ने जो लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट की थी उसको कानूनन सही माना है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। देर है अंधेर नहीं, या तो हम ये कह सकते हैं कि सत्यमेव जयते। गुजरात में लोकायुक्त का कानून बरसों से है। तीन लोकायुक्त पहले यहाँ पे अपॉइंट हो चुके थे, जस्टिस शुक्ला, जस्टिस भट्ट एंड जस्टिस सोनी। अलग अलग सरकारों ने ये अपॉइंटमेंट को कहीं रोकने की कोशिश नहीं की थी। गवर्नर ने ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ओपिनियन को प्राइमेसी मानते हुए अपॉइंटमेंट की थी। पहली बार ऐसा हुआ गुजरात के मुख्यमंत्री ने 7 साल से लोकायुक्त का कानून होते हुए गुजरात में लोकायुक्त नहीं रखने दिया। अगस्त 2003 से ये जगह खाली है, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि उनके करप्शन की कहीं इंडिपेंडेंट जांच हो। हाईकोर्ट ने जब कह दिया फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी गए। इसके पीछे मंशा यही थी कि जितना डिले होता है उतना गुजरात के मुख्यमंत्री को फायदा था, क्योंकि हमारे कानून में, लोकायुक्त कानून में 5 साल से पुरानी जो कंप्लेन है वो लोकायुक्त नहीं जांच कर सकते। तो मुख्यमंत्री चाहते थे गुजरात के कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है कम से कम वो पिछले साल निकलते रहे। मुझे खुशी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है और गुजरात की जनता को मुख्यमंत्री और उसके मिनिस्टर्स जो क्रोज ऑफ रुपीज का करप्शन करते हैं, हाईकोर्ट ने खुद कुछ मंत्रियों के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए कहा। ऐसे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कंप्लेन करने का एक प्लेटफॉर्म गुजरात में अवेलेबल होगा, मैं इसका स्वागत करता हूँ। सर, लोकायुक्त कानून का कोई संशोधन करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं आप? गुजरात लोकायुक्त कानून है, मजबूत कानून है, उसमें कुछ सुझाव की कहीं ना कहीं पहले लोकायुक्त ने जरूरत समझी थी और जस्टिस सोनी ने अभी जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है उन्हीं को एक खत लिख के मजबूती देने के लिए कुछ बातें की थी। पर गुजरात के मुख्यमंत्री तो लोकायुक्त ही नहीं चाहते, वो मजबूत कानून कहाँ से चाहेंगे, तो उन्होंने वो संशोधन नहीं किया है। भाजपा देश की संसद चलने नहीं देती है कि हमें लोकपाल चाहिए, कानून चाहिए, और गुजरात में कानून है पर लोकायुक्त नहीं है। पर भाजपा का एक भी नेशनल लीडर एक लफ्ज आज तक नहीं बोला है। ये जो राजनीति है भाजपा की, मैं मानता हूँ देश की जनता को इसके ऊपर भी सोचना होगा। हम जरूर कल कोई संशोधन लेके आएंगे, हम सपोर्ट करेंगे उसको, कांग्रेस विधानसभा में इसको सपोर्ट करेगी। अगर और मजबूत कानून भी बनाना है, इंडिपेंडेंट लोकायुक्त बने, इसका ये जो कानून गुजरात में है वो कानून कांग्रेस की हमारी सरकार ने बनाया। मोदी सरकार का ये कहना है कि उनकी शर्तों को आंशिक तौर पर माना गया है। देखिए, कुछ लोग गिरने के बाद भी अपना एक टांग ऊपर रखते हैं, पांव ऊपर रख के कहते हैं मैं जीत गया। यहाँ पे एक बहुत सेटल लॉ है कि जनरली कोई भी गवर्नर है और गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो हमने भी कहा इसका विरोध। यहाँ पे झगड़ा यही था कि लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट में एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट जरूरी थी। वो सेटल लॉ है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का ओपिनियन प्रिवेल करता है। हम कहते थे, गवर्नर कहते थे, सब कहते थे, सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री कहते थे नहीं, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कुछ नहीं, मैं कहता हूँ वही लोकायुक्त, मेरी एड एंड एडवाइस पे ही गवर्नर को नाचना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना नहीं, कहाँ उनकी जीत हुई। पर हारने के बाद भी जीत का सहरा पहनने की कोशिश, मैं मानता हूँ ये कोई इसको ना तो स्वीकार करेंगे ना इसको कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स मानेंगे।